वेरी एक्साइटिंग सब्जेक्ट, लेकिन दर्शकों को कितना पसंद आएगी, कैसे आएगी, कैसे इफेक्ट होगी, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। इट्स नॉट राइट फॉर मी टू से, बट यस आई एम वेरी एक्साइटेड एज ए फिल्म मेकर। सी डिफरेंस ये है कि अगर से सत्या एट द पॉइंट ऑफ टाइम 15 साल पहले द सिचुएशन ऑफ द अंडरवर्ल्ड वॉज वेरी डिफरेंट, और जिस उस वक्त का जो एक आदमी एक ट्रेन से उतरा उसके साथ क्या हुआ है वो पॉइंट है। और आज की डेट में मैं नहीं समझता हूँ कि अंडरवर्ल्ड का इफेक्ट उतना नहीं जितना एटलीस्ट कंपेरेबल टू जिस वक्त था। सो मेरा मतलब है कि सिचुएशन बदल गया, तो आज की डेट में कोई दूसरा एक लड़का आता है और उसको एक प्लान है कोई नया अंडरवर्ल्ड बनाने के लिए, वो क्या कर सकता है और क्या करेगा, ये सोच से मैंने बनाई सत्या टू। Yeah, it was Ramuji's vision. This character was written by Ramuji and he has written it in a brilliant manner. And I hope I have projected into the right manner. Feel fortunate. Exactly. That was a different film. This is a different film. It's not a sequel. It's not a prequel. You know, the storyline is totally different. The character is totally different. Yeah, so I'm happy to be associated with this. If I am standing here and listen to Ramuji's, you know, all those anecdotes about how he chose me, it only, you know, humbles me, because I would have been nothing, walking, talking, a struggler on the streets of Bombay without the vision of Mr. Ram Gopal Varma. मैं बधाई देना चाहता हूं इनको, और बहुत सारी फिल्मों के साथ काम किया है इनके साथ। पहले मैं सोचता था कि सबसे ज़्यादा फिल्में मैंने ऋषिकेश मुखर्जी के साथ की हैं, लेकिन उनका नंबर इन्होंने पार कर दिया और बहुत सारी फिल्में की हैं। अच्छा लगता है इनके साथ काम करने में, हम दोनों का स्वभाव एक जैसा है, वो मुझे समझते हैं, मैं इनको समझता हूँ, इसलिए काम बड़ा आसान हो जाता है। और एक एटमोसफियर जो बनता है शूटिंग के टाइम पर, वो एक अच्छा माहौल बनता है, इसलिए हम बार बार काम करते हैं।